अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जनाब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। सुबह सुबह का टाइम है, धूप भी निकली हुई है, लेकिन जो व्यू है ना वो देख के तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, थोड़ी खुशगवार सी। वरना 2-3 दिन से धूप जो है ना वो बहुत तेज़ है, सूरज जो है वो फुल अपनी आपोताब पे है और इतहाई गर्मी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो ये है कि अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और रास्ते में आपको मैं साथ साथ व्यूज़ भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, ग्रीनरी है हर तरफ, और हमें अपॉइंटमेंट जो है वो दूसरे शहर में मिली है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके फिर आपको दिखाती हूँ कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, लोगों का रश है या नहीं है, और अगर परमिशन हुई तो वहाँ अंदर का भी आप लोगों को ज़रूर टूर जो है वो करवाऊँगी, मतलब दिखाऊँगी कि अंदर उन्होंने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है, तो अगर परमिशन हुई तो। तो अभी वहाँ पे चलते हैं और वहाँ चल के दिखाती हूँ आपको कि क्या सूरत हाल है वहाँ की। यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए हैं। हस्बैंड जो है वो गाड़ी पार्क करने के लिए गए हुए हैं और यहाँ से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लंबी जो है वो लाइन नज़र आ रही है। तो मे भी सब लोगों की अपॉइंटमेंट ही होगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बगैर तो वो लोग यहाँ नहीं आने देते। जिनकी अपॉइंटमेंट होती है वही लोग यहाँ पर आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से हो सकता है। और जनाब हमारी वैक्सीनेशन हो गई है डन, और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। मैं अंदर का जो है ना वो कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बना सकी, क्योंकि परमिशन नहीं थी। उन्होंने बोला कि अंदर की आपने वीडियो नहीं बनानी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन यह है कि इंजेक्शन भी हो गया उसका, और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है या नहीं। अभी मुझे जो डेट मिली है, जो नेक्स्ट जो उसकी डोज लगेगी वो तकरीबन नेक्स्ट मंथ मुझे लगेगी। तो 3 से 4 हफ्ते का जो है वो उसमें गैप होता है, और फिर हमें उसकी जो है वो सेकंड डोज जो है वो लगवानी पड़ेगी। तो हमें अभी घर चलते हैं और फिर घर चल के देखते हैं कि क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है और आज इतवार का दिन है, और घर में बन रहे हैं हलवा पूरी और साथ में चने भी हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी हैं और कुछ जो रहती हैं वो हम लोग मिलके करेंगे। आई थिंक पूरियाँ ही रहती हैं सिर्फ बनाने के लिए, तो अभी साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। ये है जी हलवा जो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, गर्म गर्म हलवा। ये है चने, और यहाँ पे जो है वो पूरियाँ फ्राई हो रही हैं साथ साथ। अच्छा, तो अगर नाश्ते में छुट्टी वाले दिन इस तरह से कोई मज़ेदार सी चीज़ हो ना, हलवा पूरी हो, तो मज़ा ही आ जाता है। और हमने सबको बोला था कि हम इतवार को एक साथ ही नाश्ता करेंगे, और काफ़ी टाइम के बाद जो है ना ये हलवा पूरी का प्रोग्राम बना हमारे घर में। वैसे भी डेली जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं खानी चाहिए, डेली खाने भी नहीं होती, कभी कभार होना तो फिर मज़ा भी आता है खाने का, और वो इतना जो है ना वो प्रॉब्लम भी नहीं वो चीज़ करती। तो खैर काफ़ी अच्छा लगा, सब ने जो है वो मिल के नाश्ता किया, और ये है जी फाइनल लुक। मैं इंस्टा के लिए कुछ पिक्चर्स ले रही थी, तो यहाँ पर ये मैं बाय प्लेट बना के बाकायदा तो इसकी पिक्चर्स ले रही थी। जाओ जाओ, आ जाओ वापस। तो अभी है जी शाम का टाइम, और मैं और माज यहाँ बाहर वॉक के लिए आए हैं ज़रा, और धूप जो है वो बहुत कम हो गई है और इतनी तपिश भी नहीं है अभी, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। इस टाइम जो है ना वो बाहर वॉक करने का मज़ा आता है, तो हम लोग वॉक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर वापस। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा चेरीज लगी हुई है ना, जो है ना वो दरख्त भरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा हैं। और अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि बहुत सारी जो है ना वो गिर के और ख़राब हो जाती हैं। कुछ लोग तो है तोड़ के खाते हैं, ले के भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इतनी ज़ाया हो जाती हैं गिर के, तो वो सारी ख़राब हो जाती हैं। तो खैर
ये तो जो रोड के साथ जो दरख्त वगैरह लगे हुए होते हैं तो उन पे तो खैर ये होना ही होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।